क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलस कथा पाठ, जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चलिए देखते हैं चैप्टर 3 अलस कथा। चैप्टर पढ़ेंगे क्या होता है अलस कथा। पाठ का नाम क्या है? अलस कथा। देखिए पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि अलस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले, अलस कथा यानी कि आलसियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आलसी कैसा था, क्या होता है, आलसी नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। उसके इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्जेक्टिव बन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज का। तो क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जाना तो जाएंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चैप्टर देखा। कहता कि मिथिला में बिरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में बिरेश्वर नाम का एक मंत्री था और वह स्वभाव से दानी तथा दयावान था। वह सभी संकल ग्रंथों और अनाथों का प्रतिदिन रक्षा इच्छानुसार भोजन देता था। यानी कि मिथिला में एक बिरेश्वर नाम का मंत्री था और वह स्वभाव से जो क्या था तो दानी तथा दयावान था। स्वभाव से दानी था और दयावान था। वह बहुत सारे ग्रंथों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार अपने इच्छानुसार जो है उसको भोजन देता था। उनके बीच आलसियों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। क्या कहते थे कि उनके बीच आलसी जो आलसी प्रवृत्ति के जो लोग होते थे उनको अन्न और वस्त्र, यानी कि भोजन तो देता ही था और साथ साथ वस्त्र भी देता था, कपड़ा भी देता था। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग इस चीज के बारे में मिथिला में और जो क्या करता था अनाथों को भोजन वस्त्र देता था। प्रस्तुत अश्लोक जो है कि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा ग्रंथ में संकलित अलस कथा से लिया गया है। यह जो चैप्टर है वह अश्लोक जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा, विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा ग्रंथ में संकलित अलस कथा से लिया गया है। इसमें कवि उन लोगों पर व्यंग किया है, यानी उन लोगों के बारे में चर्चा किए हैं जो बिना परिश्रम के जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस चैप्टर में कवि उन चीजों के बारे में बताया है कि जो बिना परिश्रम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए जीवन जीने का प्रयास करते हैं उसके बारे में बताए हैं। यानी जिसकी स्थिति खराब होती है, जिसकी स्थिति खराब होती है उसमें सबसे प्रथम आलसियों को बताया गया है। यानी कि वैसा इस धरती पर वे सभी लोग जिसकी स्थिति खराब होती है उनको जो है लेखक जो तुलना किया वो आलसियों से, यानी कि जो सबसे ज्यादा आलसी है उसका स्थिति इस धरती पे खराब है। यानी कि जो आलसी होते हैं उसकी स्थिति सबसे खराब होती है, ऐसा लेखक बता रहे हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि आलसी क्या करता है? आलसी का मतलब कुछ नहीं करता है। तो जो कुछ नहीं कर सकता है उसमें सबसे प्रथम आलसियों को बताया है कौन लेखक। कहता है जठर ग्रंथि से आग भी नहीं करता आलसियों को, भूख से पेट जल रहा था। यानी कि जठर ग्रंथि चैप्टर में कहा गया है कि जठर ग्रंथि से आग भी नहीं करता आलसियों को, भूख से पेट जल रहा है, उसके बाद भी आलसी लोग पखन बना ले तो ये असंभव है। यानी कि आलसी को भूख लगा हुआ है लेकिन वह काम करना नहीं जानता, यानी पेट में भोजन नहीं है, भूखे मर रहा है लेकिन वह काम करना नहीं जानता है, काम करना नहीं चाहता है, यह बहुत असंभव है। तब तो आलसी लोग के लाभ सुनकर वहां तोंद बढ़ाने वाला लोग जमा हो गए। जब आलसी लोग का यह बात जब सुना तो वहां पर बहुत सारे लोग जो है अगल बगल के जमा हो गए, बहुत सारे लोग। फिर क्या कहता है आगे समझिए। कहता है इस
प्रस्तुत श्लोक में जो है विद्यापति द्वारा रचित जो है पुरुष परीक्षा में संकलित अलस कथा से लिया गया, जिसमें सभी लोग सुख सुविधा से जीवन का जीवन जीने यापन करना चाहते हैं। यानी कि इस चैप्टर में लेखक बताना चाहते हैं कि सभी लोग सुख सुविधा से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं बिना मेहनत किए हुए। अब बताइए, बिना मेहनत हुए कोई जीवन अच्छा से जी सकता है? कभी नहीं जी सकता है। कथा सुविधा से जीवन जीना यापन करना चाहते हैं बिना मेहनत किए हुए, अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। अब देखते हैं कि अगर कोई बिना मेहनत किए हुए अगर उसको सुख मिला है तो कौन चाहेगा कि हम भी ऐसा ही जीवन जिए बिना मेहनत किए हुए। तत्पश्चात आलस्यों को सुखों को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। और यहाँ पर देखिए धूर्त लोग, अब धूर्त लोग किसको कहा गया है यह आगे आपको पता चलेगा चैप्टर में। धूर्त लोग जो है बनावटी आलसी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा है। इसके बाद जो है आलसियों पर अत्यधिक धन खर्च को देखकर सेवकों के द्वारा आपस में विचार किया गया है। जो बुद्धि से अक्षम है उनके लिए दया पूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। यानी कि जो मालिक होते हैं वो दया पूर्वक दया करते हैं कि जाने दीजिए कुछ नहीं करता, उसको सामान दे देते हैं, कुछ खा लेगा। उनके लिए दया पूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। धोखा करके भी आलसी लाभ ग्रहण कर रहे हैं। अब धोखा करके भी आलसी क्या कर रहे हैं तो लाभ को ग्रहण कर रहे हैं। यही हम लोग की लापरवाही है, यही हम लोग की क्या है तो लापरवाही है। अब धोखा मिल रहा है फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए, हमको वहां से कुछ मिल जाए, ऐसा संभव है? आपको कोई धोखा दे रहा तो वहां से आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, रास्ता दूसरा अपना लीजिए, नहीं तो आपका लापरवाही है यह। तब आलसी व्यक्ति की परीक्षा ली जाए। आप सोचते हैं कि ना ऐसा जो है इसका परीक्षा लेते हैं कि क्या सही में खराब है कि अच्छा है, क्या करता है। परीक्षा लेने का जब बात हुआ तो देखिए क्या होता है। तब आलसी व्यक्ति की परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार करके आलसियों के निवास घर में सेवक ने आग लगा दिया। अब लेखक क्या किए, जो आलसी लोग था जो जिसमें आलसी लोग निवास करते थे रहते थे उस घर में जाकर के क्या किए लेखक साहब, आलसी के घर में जाकर के आग लगा दिए। अब देखिए परीक्षा ले रहे हैं, आग लगा दिए, अब क्या होता है आगे देखिए। सेवक ने आग लगा दिया, तब घर में आग लगे देखकर सभी धूर्त भाग गए। अब देखा कि घर में आग लगा है ना तो सभी धूर्त क्या हो गए, भाग गया, सभी धूर्त भाग गया। और देखा कि आग लगा हुआ है तो इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। अब उसके बाद धूर्त लोग तो भागिए गए, उसके साथ आलसी लोग भी था वो भी सब भाग गए। सिर्फ और सिर्फ जो है चार व्यक्ति सोए हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि आग लगा हुआ है और निवास कर उस घर में है और घर में चारों तरफ से आग लगा हुआ है। सब धूर्त लोग भाग गए, आलसी और था वो आलसी भाग गया, लेकिन चार वो आलसी जो था उस घर में आपस में बात कर रहा है। आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा, सोया हुआ है और चारों आलसी आपस में बात कर रहा है। सिर्फ चार व्यक्ति सोया हुआ है और आपस में बातचीत करने लगे। पहला आलसी क्या बोलता है, गौर सुनिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आलसी क्या बोलता है, पहला आलसी बोलता है कपड़ा से मुंह ढका हुआ बोला, यानी कि कपड़ा से मुंह ढका हुआ है, सोया हुआ है कपड़ा से मुंह ढक करके और बोलता है यह कोलाहल कैसा है। पहला आलसी बोलता है कि यह कोलाहल कैसा है, वह आग जो लगा हुआ था तो पहला आलसी मुंह ढका हुआ है कपड़ा से और बोलता है यह कोलाहल कैसा है। अब देखिए उस पर दूसरा आलसी क्या जवाब देता है, दूसरा आलसी बोलता है लगता है घर में आग लग गई है, लगता है घर में आग लग गई है। फिर तीसरा आलसी क्या कहता है समझिए, तीसरा आलसी कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर डाल दे। देखिए कहें चट्टा मूर्ख है। अब कहता है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं जो कोई भीगा हुआ कपड़ा मेरे क्या करे शरीर पे डाल दे। अब अरे आग लगा तो घर छोड़ के भागेगा ना भाई, घर से निकलेगा ना, उसको आग को बंद करने का प्रयास करेगा। लेकिन पहला आलसी बोलता है कैसा कोलाहल है बतिया रहा है, दूसरा आलसी कहता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है, और तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे भींगा हुआ कपड़ा हमारे शरीर पर डाल दे।
चौथा अलसी क्या कहता है, देखिए ये तो और सबसे महा बैल है चौथा अलसी। चौथा अलसी कहता है अरे वाचाल कितना बोलता है, चुपचाप सो जाओ। अब बताइए, अब आग लगा है, अभी कहता है कि अरे वाचाल कितना बोलता है, चुपचाप सो जाओ। यह चारू महा आलसी था, बहुत बड़ा आलसी। इसका जान का भी परवाह नहीं है कि हम मरेंगे कि जिएंगे, क्या होगा, ऐसा कोई ठीक नहीं है, इतना आलसी था यह चारू आलसी। चौथा बोलता है कि कितना वाचाल कितना बोलता है, चुपचाप सो जाओ। तब चारों के इस प्रकार वार्तालाप को सुनकर लेखक जो है क्या समझते हैं, सुनिए। देखिए, तब चारों के इस प्रकार वार्तालाप को सुनकर और आग को देखकर, अब आग को देखा कि उनके शरीर पर यानी कि उनके ऊपर गिर जाएगा, यानी आलसी जब जो सोया हुआ था, तब लेखक देखा कि आग जो है उसके शरीर पर गिर जाएगा। ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के आग में चारों ओर केस खींचकर, देखिए अब ऐसा देखें लेखक तो क्या किए उस आलसियों को, अब देखें कि आग इसके शरीर पर गिर जाए और आग से यह जल जाएगा, मर जाएगा, तो लेखक क्या किए उस चारों आलसियों को बाल पकड़ करके, एग्जाम पूछता है उस चारों आलसियों को क्या करके, बाल पकड़ के यानी केस पकड़ करके उसको घिसते हुए खींच करके बाहर निकालते हैं। पूछता है एग्जाम में कि ये चारों आलसियों को लेखक कैसे बाहर निकाले, तो बाल पकड़ करके, कैसे तो खींच करके बाहर निकाले। इसके बाद उन्हें देखकर सेवक ने कहा, कि स्त्रियों का गति जो होता है या रक्षक, स्त्रियों का गति या रक्षक जो होता है वह पति होता है। बताइए, जिस पर स्त्री का गति कौन होता है, उसके पति होते हैं, यानी स्त्री अगर पति नहीं रहेगा तो कोई स्त्री आगे बढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा, तो उस प्रकार से लेखक कहते हैं कि स्त्रियों का जो रक्षक या गति होता है वह पति होता है। उसी प्रकार बच्चों का जो रक्षक होता है, वह कौन होता है, तो माँ होता है। और बच्चा अगर है तो उसको बचाने वाला, रक्षा करने वाला कौन है, उसकी मम्मी है। तो बच्चों का जो रक्षक है वह माँ होती है। लेकिन आलसियों का रक्षक कौन, आलसियों का जो रक्षक होता है अवान पुरुष के अलावा इस धरती पर, इस संसार में और कोई दूसरा नहीं होता है। अगर मान लीजिए दयावान पुरुष अगर नहीं होता, दया नहीं दिखाया, तो क्या चारू आलसी मर जाता कि नहीं मर जाता, वो चारों आलसी मर जाता है। तो दयावान पुरुष के अलावा इस धरती पर चारों रक्षक, इस आलसियों के रक्षा के अलावा कोई नहीं है। तो उसके बाद चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तु मति ने दिलवाया। और क्या हुआ, जब पहले भोजन देता था, वस्त्र जो देता था, अब लेखक क्या किए इस चारों आलसियों को देख लिए कि बहुत बड़ा आलसी है, तो क्या किए उस चारों आलसियों को पहले से भी ज्यादा भोजन और वस्त्र दे करके वहां से विदा उसको कर दिए। कहे बाबू रे आप जाइए, आप अच्छा से काम करते। इसलिए कहा गया है कि बच्चों का गति जो होता है वह माँ होती है, स्त्रियों का गति पति होता है, और आलसियों का जो गति होता है वह दयावान पुरुष के अलावा और कोई नहीं होता। एग्जाम में पूछता है कि बच्चों की गति कौन होती है, तो माँ। स्त्रियों की गति कौन होता है, तो पति। स्त्रियों गति कौन होता है, तो पति। और आलसियों गति कौन होता है, तो दयावान पुरुष। दयावान पुरुष के अलावा कोई नहीं होता, यानी धार्मिक पुरुष ही है ऐसा जो आलसियों को ऊपर क्या कर सकता है, को बचाव कर सकता है। यही अलस कथा पाठ था। बताइए, पहला जो आलसी था वह क्या बोलता है, अरे वाचाल, पहला जो आलसी था वह बोलता है कि यह कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पर भींगा हुआ कपड़ा डाल दे ताकि हम उनको आग से बच जाए। और चौथा तो महा आलसी है, वो बोलता अरे वाचाल कितना बोलता है, चुपचाप सो जाओ। इस तरीका के गति को देख करके लेखक कहे कि अभी हम लोग आग से में जल जाएगा, मर जाएगा, तो वह क्या किए उस चारों आलसियों को बाल पकड़ के वह घर से क्या किए आग से बाहर निकाले। तो इस प्रकार लेखक देख लिए कि यह बहुत
बड़ा आलसी है, इसलिए आलस आलसी मत बनिए, और आलसी बनिएगा तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए आलसी मत बनिए। और आप चाहिए कि बिना मेहनत किए हुए बिना परिश्रम किए हुए हमको जीवन में कुछ मिल जाए तो ऐसा संभव है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है अभी के समय में। तो आप जानिए कि अलस कथा पाठ में क्या कहता है लेखक और क्या क्या चीज दिया गया है। तो अलस कथा पाठ आप एकदम अच्छे से जान गए होइएगा, तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए लाइक कर दीजिए। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए इसमें कुछ श्लोक है, कहता है निर्गति नाम, निर्गति नाम च सर्वे साम लस प्रथमो मत किंचिन्न क्षमते कर्तु जाठरे नपी वहीना। यानी कि मिथिला में इसका श्लोक क्या है कि मिथिला बृहेश्वर नाम के मंत्री थे, मिथिला में क्या थे बृहेश्वर नाम के मंत्री थे जो स्वभाव में दानशील एवं कारुणिक थे, वे सभी निर्धनों एवं अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दान करवाते थे, उनके बीच आलसी भी अन्न एवं धन का दान करवाते थे, क्योंकि बुद्धिमानों के मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में आलसी प्रथम है। यानी बुद्धिमानों के मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में क्या है तो सबसे बड़ा खराबी जो है वह आलसी है प्रथम है। कुछ तो उधर से जलते होने के बाद भी कुछ नहीं करते, यानी कि जानते हैं कि हम ऐसा है फिर भी वह कुछ नहीं करते, यह श्लोक जो था उसका अर्थ था। दूसरा जो श्लोक है स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशाम संभते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। इसका जो अर्थ होगा वह है कि इसके बाद आलसी पुरुषों के वहां इष्ट लाभ को सुनकर बहुत से बढ़े हुए तोंड वाले लोग वहां पहुंचे, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति में सभी को अच्छी लगती है, सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है। अपनी जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते, अब देखते अपने जाति के सुख को जो देखता है वह कौन जीव नहीं दौड़ते हैं। और लास्ट श्लोक जो है इसमें जो लास्ट श्लोक जो है वह कहता है पतिदेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काची त्रिलो के कारुणिक बिना। यानी कि इसके बाद उन चारों ने इस प्रकार बातचीत किया, यानी इसका अर्थ है कि इस बाद उन चारों ने इस प्रकार बातचीत किया सुनकर और अग्नि को इनके और बढ़ता हुआ देखकर नियुक्ति सिपाहियों के द्वारा चारों आलसियों के केसों को पकड़कर खींचते हुए क्या किए वह घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन निरुक्त सिपाही के द्वारा पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया कि स्त्रियों की जो गति होती है वह पति होता है, बच्चों की गति जो होती है वह माँ होती है, लेकिन आलसियों का जो गति होता है वह दयावान पुरुष के अलावा कोई नहीं होता, यानी धार्मिक पुरुष के अलावा कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर का जो है सारांश के साथ पूरा सारांश जान गए, यानी श्लोक का अर्थ भी जान गए और चैप्टर में कहानी क्या था ये सब आप क्या कर लिए जान गए। तो इस तरीके से आपको यह पूरा चैप्टर क्या हो गया होगा समझ में आ गया हुआ होगा। इससे एग्जाम में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में, नोट करते जाइएगा कॉपी में। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि अलस कथा पाठ कुतः संकलित, अलस कथा पाठ कुतः संकलित। पहला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा वह कथा है अलस कथा पाठ, अलस कथा पाठ कुतः संकलित, संकलित इसका जो आंसर होगा वह होगा पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछेगा वह पूछ सकता है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है तो विद्यापति, कौन है बोल रहे हैं तो विद्यापति है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा विद्यापति, सॉरी विद्यापति है, मैथिली कवि कह आशित, मैथिली मैथिली कवि कह आशित, मैथिलीपति कह आशित तो विद्यापति, विद्यापति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी, वास्तविक वास्तविक आलसी संख्या कितनी थी, वास्तविक आलसी की जो संख्या था वह आपका था चार, वास्तविक आलसी का जो संख्या था वह चार था। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो वह होगा आलसी, आलसी सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो आलसी। अगला क्वेश्चन नीतिकार आवश्यक को क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं तो शत्रु। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है चलिए। आगे आपसे सात नंबर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सात नंबर क्वेश्चन अपनी भूख मिटाने के लिए, सात नंबर क्वेश्चन जो है अपनी भूख मिटाने के लिए, अच्छा समझिएगा, भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता, कौन कुछ भी नहीं करता है, तो अपने भूख मिटाने कौन कुछ भी नहीं करता, तो आलसी, आलसी कुछ नहीं करता है, भूख लगा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बाबू, तो वह जो है पुरुष परीक्षा से जब क्वेश्चन हो चुका था फिर से लिख दिया, पुरुष परीक्षा, परीक्षा में निकाल होगा पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बीरेश्वर कैसा था, बीरेश्वर कैसा था, देखिए बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या बीरेश्वर कैसा था, तो बीरेश्वर जो था वह दानशील था, क्या था तो दानशील, वह बहुत सारा दान करता था, दानशील। अगला जो क्वेश्चन है आपसे यह पूछ सकता है कि बीरेश्वर कौन था, बीरेश्वर कौन था, बीरेश्वर कौन था, तो वह क्या था, बीरेश्वर एक मिथिला के मंत्री थे, मिथिला के, मिथिला के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री, मिथिला के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा अलस कथा में आग क्यों लगाई गई,
अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। क्यों लगाया गया आग? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस कथा में आग लगाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अलस कथा में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? अलस कथा में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग नहीं भागे? देखिए चार लोग बच गए थे बाबू, चार लोग जो था बहुत बड़ा आलसी था, बच गए थे, चार लोग नहीं भागा था। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, चलिए फटाक से। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर तक हो गया था? तो अलस कथा में हो चार, तो क्वेश्चन था आपको 12 हो गया, 13 हो गया था। स्थिति सर बोला यही बात, यह नहीं पूछता है, यह नहीं पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है घर में लगे आग को देखकर, घर में लगे लगे आग को देखकर, घर में लगे आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? कौन लोग पलायमान हो गए? कौन आपसे पूछ सकता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? अब चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तब तक चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो बाल पकड़कर, बाल पकड़ कर, बाल पकड़ कर क्या किया? चारों आलसियों को बाहर किया गया। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? यानी अलस कथा के अंतर्गत क्वेश्चन कहता है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो बीरेश्वर नाम का मंत्री था। कौन नाम का मंत्री था? तो बीरेश्वर, बीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। आगे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? तो वह धूर्त लोग, धूर्त लोग क्या कहता, बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। कहता है अगला क्वेश्चन, बीरेश्वर 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 से रस्य कर दीजिए, बीरेश्वर से स्वभाव, स्वभाव की
दृश्य की दृश्य कीदृश आसित कीदृश आसित तथा बीरेश्वर से स्वभाव से यानी बीरेश्वर स्वभाव से कैसा था तो वह जो था वह दानशील था। क्या था? दानशील एवं कारुणिक था। कारुणिक दानशील एवं कारुणिक था। कथा अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपसे जो ज्ञान पूछ सकता है इंपोर्टेंट है वो कथा अर्पित अर्पित विग्रह अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण भक्षण कौन कर रहे थे कौन कर रहे थे कौन कर रहे थे इस तरीके से आपका इम्पोर्टेंट जो था आलस कथा पाठ से जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो सारा हम ऑब्जेक्टिव आपको क्या कर लिए बता दिए। आप पूरा क्या कर लिए देख लीजिए एक बार इसको नोट करना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आप जान गए कि आलस कथा पाठ पूरा आपको क्या हुआ पूरा पूरा अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा हम ऐसा आशा करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई दिक्कत है कुछ पूछना है कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। तो आलस कथा पाठ से एग्जाम में आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर आने वाला है यानी 8 से 10 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। सब चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका कहानी सारांश सारांश से पूछता है क्वेश्चन से भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए।